हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आजकल प्लेन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दोस्तों, और पहाड़ों में बिल्कुल मौसम इतना सुहाना है। बारिश तो हो रही है कुछ, लेकिन फिर भी वहाँ ठंडक इतनी है कि हम लोग भी गए थे अल्मोड़ा, तो रास्ते में हम रुके थे थोड़ा नाश्ता करने, तो मुझे पर ये खूब हरियाली सी दिखी, तो मुझे लगा मैं शूट करती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करूँगी। तो मोबाइल की बैटरी भी बहुत डाउन है दोस्तों, लेकिन फिर ये जो आप पानी देख रहे हैं गंदा सा मिट्टी वाला, जिस दिन हम गए थे उसके 2 दिन पहले ही बागेश्वर में बादल फटा था, ये उसी का पानी आ रहा है। हमने भी पूछा कि ये इतना गंदा पानी कहाँ से आ रहा है, तो लोगों ने यहाँ के स्थानीय निवासी जो है उन्होंने बताया कि बादल फटा था, उसका पानी यहाँ तक आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ों में रुक रुक के एक आध दिन छोड़ के बारिश डेली हो रही है, और कहीं कहीं बादल फट रहे हैं, और हम यहाँ इतनी गर्मी में एक बूंद भी नहीं टपक रही है। गर्मी से इतना बुरा हाल है, और पहाड़ों में आप लोग गर्मियों में ज़रूर जाया करो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड आप लोग घूमने आओ, बहुत अच्छा मौसम रहता है इसमें, गर्मी हो या सर्दी हो। जब आप लोग पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो भवाली से आगे एक जंगल पड़ता है, जहाँ पर गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो वो जंगल ठंडा ही रहता है, इतना ठंडा कि बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो आप लोग जब आप लोगों को पता नहीं चलता है कि यहाँ पर ठंड पड़ रही है या यहाँ पर कैसा मौसम है, कभी कहीं कहीं पे आप देखा करिए कि कई कई जगह पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन भवाली के आसपास या उससे आगे गर्म पानी ऐसी है। काफ़ी टाइम मैं भी कार से गई थी, लेकिन इस बार मैं कार से नहीं गई, तो मुझे भी लगा बहुत अच्छा लगा वहाँ पर रुके भी, और फिर हम लोगों ने यहाँ की थोड़ा सा पिक्चर ली। बहुत गर्मी हम पड़ रही है, और फिर भी यहाँ जो पेड़ पौधे हैं इतनी हरियाली लिए हुए हैं, आँख सुकून मिलता है पहाड़ों में। यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, बहुत मेहनती होते हैं, मतलब गांव से इधर आना, अपने दुकानों पर चढ़ाई होती है वहाँ से। इस यहाँ पर जहाँ पे हम रुके थे वहाँ मुझे एक पेड़ भी दिखा, ये देखिए इसमें छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता, वहाँ के लोग इसको हैजा बोलते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा है, मुझे तो, लेकिन ये जो प्लांट है इसके जो दाने हैं सिर्फ दिखने के ही, देखने के लिए ही 100 पीस हैं, इसको आप खा नहीं सकते हो, अगर आपने खा लिया तो समझो ये पॉइजन होता है दोस्तों। अगर इस रूट का नाम जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने पूछा तो इन लोगों ने, यहाँ जो रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उन्होंने बोला कि इसको हैजा बोलते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सिर्फ देखने के लिए है, 100 पीस है, इसको खाना बिल्कुल नहीं, मुँह में बिल्कुल नहीं डालना, इसको चबाना वगैरह नहीं है, खाना नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए है। आप लोग अगर जानते हैं तो इसका क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, आप बताइए। छोटे छोटे बीज है बहुत सारे लगे हुए, और कई पेड़ हैं नीचे, यहाँ पर ये एक रोड, ऑन द रोड पर
बड़ा सा पेड़ था, तो मैंने इसको देखा, तो मैंने इसको देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए ऑरेंज कलर के गुच्छे हुए हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं बस वैसे ही। ये देखिए छोटे छोटे लंबे लंबे गोल बॉल्स जैसे ग्रीन लीव्स और ऑरेंज कलर के ही बॉल्स, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ओके दोस्तों, पहाड़ों की वादियाँ, अभी तो बैटरी डाउन हो गई है मेरी मोबाइल की, नहीं तो मैं आपको और भी कुछ सीन दिखाती। घर से निकलने से पहले अपना मोबाइल ज़रूर चार्ज करके, रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत सीन दिखते हैं और हम उनको कैप्चर नहीं कर पाते। तो बस हमारा भी नाश्ता हो गया है, अब हम भी चलते हैं। इसका नाम बताइए अगर आपको पता है तो, नहीं तो वीडियो एंजॉय करिए और थोड़ा कमेंट में बताइए कि किस चीज़ का प्लांट है। ओके दोस्तों, बाय बाय।